बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 के संदर्भ में। दोस्त, लगातार कल से आप बहुत परेशान नजर आ रहे थे, आज उसके संदर्भ में यह वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। देखिए, कुछ लोग अगर देखा जाए, कुछ ऐसे कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनका लगातार यह कॉमेंट आ रहा है इस लास्ट डेट को लेकर। ठीक है, लास्ट डेट अगर देखी जाए, यूपी डीएलएड एडमिशन प्रक्रिया जो 2022 में अभी हाल ही में आपकी चल रही थी, वह 25 तारीख से समाप्त हो गई है। तब से लगातार आपका यह कमेंट आ रहा है कि सर डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो उसके संदर्भ में बेहतरीन तरीके से मैं आपसे बात करूंगा। कुछ हमने कल के वीडियो में आपसे कहा था, अगर डेट नहीं बढ़ती है तो हम आपके साथ कुछ ऐसी जो है प्रक्रिया अपनाएंगे। हमारा एक फर्ज होता है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम आपके साथ लगातार काम करेंगे। हमने अपना संपर्क माध्यम यहां लिखा है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, नीचे स्क्रीनशॉट भी लगा होगा, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इन आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चाहे इंस्टाग्राम आईडी पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपका एडमिशन या आपने ऑनलाइन फॉर्म को नहीं भरा है तो प्लीज आप इन आईडी पर जाकर मुझे इन्फॉर्म जरूर करेंगे। हम आपके सामने कुछ अपनी प्रक्रिया, अपनी बात को रखना चाहते हैं। अच्छा, अभी इस वीडियो में भी मैं बात करूंगा, अगर आपके पास टेलीग्राम इंस्टाग्राम नहीं है तो आप कुछ दिन के लिए डाउनलोड कर दीजिए, उसके बाद आप डिलीट कर दीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप फॉलो करें या ना करें उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट एक निवेदन मैं आपसे जरूर करूंगा कि आप मैसेज जरूर करें कि हाँ मेरा एडमिशन नहीं हुआ है। अभी अगर हम अभी आगे उससे बात करते हैं, यहां सबसे पहला चीज आप देख पा रहे हैं, लिखा गया है डीएलएड आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त, क्या डेट और आगे बढ़ेगी, यह आपका कॉमेंट है। अगला कॉमेंट आप कर रहे थे, अगर आवेदन की तिथि नहीं बढ़ती है तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, जिनका आवेदन फॉर्म नहीं भरा गया है, आवेदन की जो अंतिम तिथि है अगर नहीं बढ़ती है तो विडंबनाएं उनके सामने बहुत हैं। ठीक है, नीचे आप देख पा रहे हैं, क्या आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। अच्छा, आप यह सोच रहे होंगे आपने यह क्या लिखा है, क्या हम आपसे सहयोग क्या चाहते हैं। अभी सहयोग क्या चाहते हैं हम आपसे जरूर इस बात पर चर्चा करेंगे, यह एक अहम मुद्दा है। यह एक वक्त ऐसा है जिस वक्त में आपको सहयोग करने की जरूरत है, हमारा कुछ नहीं बनेगा बिगड़ेगा। ठीक है, अगर आप मेरा सहयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर कोई बच्चा पिछले 2021 सत्र का हमारे साथ जुड़ा है तो उसे बेहतरीन तरीके से पता है कि हम 2021 वाले बैच के साथ किस तरह से संघर्ष किए थे, जो उनका डायरेक्ट एडमिशन, यहां तो डेट वाली समस्या है, उनके पास डायरेक्ट एडमिशन वाली समस्या थी, डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो रहा था। ठीक है, अभी आगे इस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि क्या हम सहयोग किए थे, कैसे, क्या सब कुछ बताएंगे। आज गेस करके मार्किंग करने वालों का एडमिशन नहीं होगा, यह आपका बहुत ज्यादा कॉमेंट आ रहा था, पता नहीं कहां-कहां से लोग पता करके आते हैं, कहते हैं कि डायरेक्ट जो गेस करके मार्किंग कर दिए हैं उनका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, नीचे आप देख पा रहे हैं, क्या बिना आवेदन वालों का एडमिशन होगा। अच्छा, यह तो जाहिर सी बात है, यह सवाल पूछना गलत है। ठीक है, आप जरा सा विचार करें, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि बिना आवेदन वालों का एडमिशन हो जाए। जब बिना आवेदन वालों का एडमिशन हो जाता तो भैया ये आवेदन काहे को करवाते, आप परेशान क्यों होते, आप भी वैसे एडमिशन ले लेते। अच्छा, आगे आप देख पा रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन व काउंसलिंग कब से होगा, इन सभी मुद्दों पर मैं आपसे बात करूंगा। एक निवेदन मैं आपसे और करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हां मैं कहूंगा कि वीडियो को आप लाइक जरूर किया करें, क्योंकि अगर आपके साथ इतना मेहनत, इतना परिश्रम किया जा रहा है तो वीडियो पर लाइक नहीं मिलता तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, खैर चलिए, हम बात करेंगे आपसे डीएलएड आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त, क्या डेट बढ़ेगी। देखिए, अगर अभी तक हम आपसे बात करें डीएलएड आवेदन की जो अंतिम तिथि है, ठीक है, उसे बढ़ने के पूरे पूरे 80% चांस हैं। कल किसी ने कहा था, अभी आपने पिछले वीडियो में 90% कहा था, भैया एक चीज आप ध्यान दीजिए, ठीक है यार, 80-90% में क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है। ठीक है ना, आपकी डेट बढ़ेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप सभी को पता है 25 तारीख बीत ही गया, 26-27 तारीख आज है। ठीक है, अभी तक डीएलएड का कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं निकला है कि कितने आवेदन हुए हैं, कैसे क्या हुआ है। अगर जब तक
यहाँ आंकड़ा नहीं निकलता है, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ प्रोसेस इस पर चल रहा है। ठीक है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो आवेदन की प्रक्रिया है 80% पूरी संभावना है कि आपकी आवेदन की तिथि बढ़ेगी। एक चीज, पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो हमने पिछले रिकॉर्ड में एक वीडियो आपके सामने दिया हुआ था, उसमें एक चिट वायरल हो रही थी कि आपकी डेट बढ़ गई। हमने तो पहले वीडियो बना दिया, ठीक है, पहले वीडियो बना दिया और डेट आपके नहीं बढ़े। कुछ लोगों ने बहुत तरह तरह के कमेंट किए और लास्ट में जब वीडियो जब डेट बढ़ गई, हमने वहां पर भी दावा किया था कि डेट बढ़ेगी, डेट वहां भी बढ़ गई, तब जाके लोग मेरे ऊपर बिलीव किए हैं। ठीक है, चलिए खैर वह बात की बात है, अपने मुख से अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करनी चाहिए, यह चीज आप सभी को पता है। ठीक है, और हमें भी पता है, खैर आपको बताना पड़ता है। चलिए हम आपसे आगे बात करेंगे, क्या अगर आवेदन की तिथि नहीं बढ़ती है तो क्या करें। देखिए, अगर हम आपसे बात करें, पिछला जो बात अभी हमने कहा आपसे, अभी आगे हम बात करते हैं। अच्छा, हम अगर कहते हैं आपसे क्या आवेदन की तिथि, अगर आवेदन की तिथि नहीं बढ़ती है, देखिए मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर आवेदन की तिथि नहीं बढ़ती है तो हमारे आपके पास कुछ ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं, जैसे सबसे पहली चीज़ है कि सोशल मीडिया। पिछली बार की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों ने हमसे कहा कि चलिए सर हम PNP चलते हैं आपके साथ। भैया हम PNP पहुँच गए, वहाँ पर दो चार लोग मिले, ठीक है, चारों लोगों, हमने कल के वीडियो में आपसे कहा था कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ठीक है, हम पहुंच जाएं, आप पहुंच जाएं, दो तीन लोग पहुंच जाए तो उतने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, अगर आपको कुछ करना है, कुछ करवाना है तो आपकी संख्याएं वहां भारी संख्या में चाहिए। ठीक है, और दो चार लोग पहुंच के कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, यह चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अब की बार हमने यहां सोचा है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, अपने यहीं स्टूडियो से ही आपका सहयोग करेंगे, और अगर वक्त आता है, समय आता है, परिस्थिति आती है तो भैया हम चलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेंगे। अगर आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो जाहिर सी बात है हम उस विश्वास पर आपके विश्वासघात नहीं करेंगे। चलिए देखिए, हमने कहा आपसे कि अगर आवेदन की तिथि नहीं बढ़ती है तो हम एक चीज करवाएंगे, ट्विटर पर जो है ट्विटर कैंपेन चलवाएंगे, हम बताएंगे कि आपको ट्वीट किसे किसे करना है। पिछली बार जब डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो रहा था, ठीक है, तो उस बार भी हमने बहुत ऐसे कैंडिडेट थे जिनसे हमने अपने वीडियो के माध्यम से ही, आप अगर वीडियो लिस्ट में जाते हैं तो पिछली बार का भी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने उनसे कहा था कि भैया आप इस समय से इतने समय तक ट्विटर कैंपेन चलाइए, उम्मीद यही है कि आपकी डेट बढ़ेगी, और बढ़ गई थी। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन आपका उस वर्ष भी हुआ था, यह चीज ध्यान दीजिएगा। ट्विटर कैंपेन में हमने जितने आपको बताएंगे कि कितने लोगों को आप ट्वीट करना है, अगर आप तैयार हैं तो आप कमेंट सेशन में मुझे यह जरूर बताइएगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि हमने दो तीन चैनल क्रिएट कर दिया था, आप समझ नहीं पाते हैं कौन सा सही वाला है, तो आप वहां लिंक के नीचे जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा, और हम कॉमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, वहां से भी आप इसे प्राप्त कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम तो मान लीजिए आप सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात ट्विटर का, तो ट्विटर अगर आप करना चाहते हैं, ट्वीट करना चाहते हैं इस डायरेक्ट एडमिशन को लेकर, आज और वेट कर लीजिए, कल से हम लोग कुछ ना कुछ तो अपनाएंगे ही। ठीक है, रही बात आगे, हम आपसे कहेंगे कि क्या आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, यही चीज हम आपसे सहयोग की अपेक्षा चाहते हैं, हम और आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, ना कभी मांगेंगे, भगवान की दुआ दृष्टि से जो भी है अच्छा है। ठीक है, हम आपसे सहयोग यही चाहते हैं कि आप मेरा साथ दीजिएगा, हम अगर हमारे ऊपर आपने विश्वास किया है तो हम भी आपके साथ लड़ेंगे जहां तक हो सकेगा। सहयोग यही करना है कि हमारे साथ आपको ट्वीट करना है, ठीक है, ट्वीट करना है, और इतना ट्वीट करना है कि अब जितना अधिक से अधिक हो सके, ताकि हमारी और आपकी आवाज उनके तक पहुंच जाए। ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा, हम आपसे सहयोग की अपेक्षा इसी की कर रहे हैं कि ट्विटर कैंपेन जब हम चलाएंगे तो आपका सहयोग मेरे लिए लाजमी होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आपसे। अच्छा, एक चीज मैं और कहूंगा कि अगर आप इस चीज के लिए राजी हैं, अगर आप सहमत हैं, तो प्लीज आप कॉमेंट सेशन में या इन आइडियो पर आप मुझे जरूर इन्फॉर्म करेंगे, तब जाके आगे कुछ बात हो सकती है, और दो चार लोगों से कुछ होगा नहीं, यह चीज ध्यान दीजिए। बहुत ऐसे हैं जिनका जो है कह देते हैं नहीं हम भी करेंगे, अगर आपको ट्विटर नहीं चलाना आता है तो आप किसी तरह से सीख जाइएगा, हम यह नहीं बताएंगे कि आपको ट्विटर, वैसे हमको भी नहीं आता बहुत ज्यादा, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पिछली बार से हमारे पास ट्विटर कैंपेन है, ठीक है, पिछली बार भी हमने ट्वीट किया था, वही आईडी मेरे पास भी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से भी जो करना होगा आप कर दीजिएगा। ठीक है,
चलिए, और आपको ट्वीट करना लिखना क्या है, करना क्या है, कल मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा सुबह के टाइम में। आप तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, हमने कहा आपसे गेस करके मार्किंग वालों का एडमिशन नहीं होगा। देखिए, अगर ऐसा कोई कहता है तो गलत कहता है। हमने आपको पहले से ही कहा था, अगर पिछला देखा जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं पिछले 2021 सत्र में जिनका एडमिशन डायरेक्ट जो है क्या कहते हैं गेस मार्किंग करके कर दिए थे, उनका एडमिशन हुआ है और वर्तमान समय में कर रहे हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने इतना पहले ही कहा है कि आपका एडमिशन जो होगा वह डायट कॉलेज में ना हो करके आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में 101% होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, हम आपसे बात करते हैं क्या बिना आवेदन वालों का एडमिशन होगा। जरा सा एक चीज का विचार करें, अगर ऐसा कोई पूछता है तो यार वह भविष्य में शिक्षक क्या बनेगा, मुझे खुद समझ में नहीं आता है, ठीक है। अगर बिना एडमिशन वालों का आवेदन बिना आवेदन वालों का एडमिशन हो जाए तो ये डेटवा काहे बढ़ाने के लिए आप चक्कर में पड़े हैं, आप मत पड़िए, ठीक है। आप अगर ऐसा कोई कहता है कि भैया आपका बिना आवेदन का ही एडमिशन हो जाएगा तो कदापि किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। अगर कोई कहता है तो मैं 100% इसे पूरी तरह से खारिज करता हूं, किसी भी प्रकार की इसमें सत्यता नहीं है। आप आवेदन जरूर कीजिएगा, अगर आवेदन की डेट बढ़ती है वैसे बढ़ेगी, ठीक है। अगर कोई कहे कि बिना कोई प्राइवेट वाला भी कहे कि आप कोई किसी प्राइवेट वाले में भी हिम्मत नहीं है कि आपके बिना आवेदन का एडमिशन ले ले, अगर ऐसा कोई करता है तो आप कदापि उनके पास मत जाइएगा, पैसा ले लेंगे और आपको भगा देंगे, ठीक है। और जब पैसा मांगने जाएंगे तो आपको कैसे दौड़ाएंगे आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। पैसा अगर किसी के हाथ में चला जाता है तो उसे आप ना ही मानकर चलिएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बिना आवेदन का एडमिशन आपका नहीं होता है और ना ही कभी हुआ है, ठीक है। चलिए, हम कहें आपसे डायरेक्ट एडमिशन व काउंसलिंग कब से होगा। देखिए, हम आपसे बताना चाहेंगे डायरेक्ट एडमिशन हर वर्ष हुआ है। डायरेक्ट एडमिशन होता क्या है, जैसे लास्ट में जो सीटें बचती हैं उस पर अभी तक आपने कोई कॉलेज आपको नहीं मिला, ठीक है। सपोज दैट कि मैं बात करूं काउंसलिंग आपकी हो गई और आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, अभी काउंसलिंग नहीं हुई, मत समझिए काउंसलिंग हो गई, मैं एक नियम आपको बता रहा हूं। जैसे हम कहें आपसे आपकी काउंसलिंग हो गई और आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो आपको मौका मिलता है डायरेक्ट एडमिशन का। आप किसी भी अपने नजदीकी कॉलेज में डायट में भी डायरेक्ट एडमिशन होता है, यह चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बट वहां सीट खाली होनी चाहिए, ठीक है। हम कहें आपसे डायरेक्ट एडमिशन तो बिल्कुल, अगर जो है काउंसलिंग हो गई तो डायरेक्ट एडमिशन हर वर्ष होता है। जब एडमिशन हो के जब काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन समाप्त हो जाता है तो जो सीटें बचती हैं कॉलेज में उसमें डायरेक्ट एडमिशन खोजते हैं लोग, ठीक है। कोई आ जाए हम डायरेक्ट एडमिशन कर लेंगे, तो हमेशा हर वर्ष डायरेक्ट एडमिशन हुआ है। डायरेक्ट एडमिशन आप कहीं भी ले सकते हैं, वो अपने आप में आप स्वतंत्र होते हैं, किसी भी जिले में कहीं पर भी डायरेक्ट एडमिशन आपका हो सकता है। वैसे लोग यही सोचते हैं कि हमारे नजदीकी में जो कॉलेज मिल जाए उसी में हम कर लेंगे, जब आपको डिग्री ही लेनी है, ठीक है। तो मैं इस चीज को नहीं कहूंगा कि आप कहीं से चाहे जहां से करिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके नजदीकी जो कॉलेज होगा, आपके संपर्क में जो कॉलेज होगा, वहां पर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन पहले कोशिश कीजिएगा कि अगर काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज मिल जाता है तो ठीक है, ठीक है। और काउंसलिंग कब से होगी, अभी काउंसलिंग की कोई डेट नहीं है। अगर ऐसा कोई कहता है, अब जरा सा विचार करें, एक बार तो डेट बढ़ गई, जब पहली बार आपकी डेट नहीं बढ़ी थी, ठीक है, जब पहली बार से आवेदन हो रहा था तो उस वर्ष काउंसलिंग का शेड्यूल दिया जाता है, ठीक है। उस वर्ष काउंसलिंग का शेड्यूल उस टाइम काउंसलिंग का शेड्यूल दिया जाता है, लेकिन जब डेट बढ़ गई तो वो तो डेट खत्म हो गई, ठीक है, वो डेट खत्म हो गई। अब नए सिरे से काउंसलिंग की डेट निकाली जाएगी। काउंसलिंग आपसे आपका कब से होगा, जब अगर फिर डेट बढ़ जाती है तो काउंसलिंग की प्रक्रिया और आगे बढ़ जाएगी। किसी ने कहा था कि अगर फिर से डेट बढ़ती है तो सेशन विलंब से चलेगा, बिल्कुल मैं भी मानता हूं कि डेट बढ़ती है तो विलंब से चलेगा। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, विलंब से नहीं चलेगा। जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो जाती है उनका सेशन स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उनका सेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे ही दूसरे तीसरे राउंड में जाते हैं तो उनका अलग से क्लास चलवा कर उनके जो सिलेबस होते हैं कवर करवाया जाता है। यह चीज आपको भी पता है, नहीं पता है तो जान लीजिएगा, ठीक है। फिर से मैं कहूँगा कि अगर
आपको ट्विटर कैंपेन चलाना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में मुझे यह जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम तो इस पर भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग DLED 2022 में एडमिशन करना या करवाना चाहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा फिर से कहूँगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।